मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम नीलम वर्मा, आई एम योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट द आंसर इन वन वर्ड ऑफ चैप्टर फोर माय फैमिली। आज हम चैप्टर फोर माय फैमिली में आंसर इन वन वर्ड कंप्लीट करेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इन वन वर्ड मीन्स होता है कि आपको जो है वन वर्ड में आंसर देना होगा। I have mentioned some sentence on here. You will write the answer in one word. मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को मेंशन किया है जिसका आंसर आपको किस में देना है, वन वर्ड में देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस इज मदर्स पेरेंट्स इन योर मदर टंग। आप मदर्स के पेरेंट्स को आप अपनी मदर टंग में क्या कहते हो? मीन्स मदर्स पेरेंट्स मीन्स मदर्स पेरेंट्स इज योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स मदर्स के पेरेंट्स आपके क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को हम अपने मदर टंग में क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? नाना एंड नानी। तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना होगा, नाना N-A-N-A, नाना एंड नानी N-A-N-I, नानी। ओके, सो अब आपका क्या हुआ, मदर्स पेरेंट्स इन योर मदर टंग इज कॉल्ड अवर नाना एंड नानी। तो आप मदर टंग में आप क्या कहते हो अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को, नाना एंड नानी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड सेंटेंस इज फादर्स सिस्टर्स इन योर मदर टंग। अब आपको किस आपको क्या राइट करना है मदर टंग में, फादर्स पेरेंट्स यानी फादर की सिस्टर को आप अपने मदर टंग में क्या कहते हो? वैसे तो आपने पढ़ा है कि फादर सिस्टर एंड मदर सिस्टर इज योर आंट। ओके, बट आपको क्या राइट करना है, मदर टंग में आपको बताना है कि आप अपने फादर्स के सिस्टर को क्या कहते हैं। ओके, तो फादर सिस्टर इन योर मदर टंग इज कॉल्ड अवर योर बुआ। आप अपनी जो फादर की सिस्टर है उनको आप क्या कहते हो मदर टंग में, बुआ कहते हो ना। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज हेड ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली। अब आपको किसमें आंसर देना है सेंटेंस का, मीन्स होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में आप आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें हेड कौन होता है, हु इज द हेड ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली। आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, व्हेन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टूगेदर इन ए हाउस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। तो आपको न्यूक्लियर पे वन सेट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स योर फादर एंड मदर। तो फादर इज द हेड ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली। तो आप न्यूक्लियर फैमिली में आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, फादर। तो आपको क्या राइट करना है, फादर F-A-T-H-E-R, फादर। यानी फादर इज द हेड ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के फादर कौन हेड कौन होते हैं, फादर। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस सेम यही है कि आपको क्या बताना है कि वन सेट ऑफ पेरेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ना कि व्हेन जब वन सेट ऑफ पेरेंट्स व्हेन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टुगेदर इन ए हाउस दिस इज ए कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, न्यूक्लियर फैमिली एंड द स्पेलिंग ऑफ दिस न्यूक्लियर एंड U-C-L-E-A-R, न्यूक्लियर एंड फैमिली F-A-M-I-L-Y, क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टुगेदर इन ए हाउस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ओके, क्लियर। एंड लास्ट आपका सेंटेंस है चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट। अब आपसे पूछा गया है कि अंकल एंड आंट के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, अंकल एंड आंट के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको हम, वो हमारे क्या होते हैं, कजिन्स होते हैं। क्या होते हैं, कजिन्स। एंड द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड कजिन, सी ओ यू एस आई एन एस, कजिन्स। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिपीट ऑफ दिस वर्ड इन फर्स्ट सेंटेंस, यू विल राइट द
वन वर्ड आंसर इन नाना एंड नानी एंड सेकेंड सेंटेंस यू विल राइट द वन वर्ड आंसर इज बुआ एंड थर्ड वर्ड सेंटेंस यू विल राइट द वन वर्ड आंसर इज फादर यानी हेड ऑफ योर न्यूक्लियर फैमिली इज कॉल्ड फादर एंड फोर्थ न्यूक्लियर फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टुगेदर इन हाउस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली एंड द चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट यानी चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट इज कॉल्ड अवर कजिन्स ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आंसर इन वन वर्ड समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम ओके एंड ऑल स्टूडेंट्स